हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बरवाला निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए गांव में जल्द ही सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इससे गांव में जलभराव की समस्या का निदान होगा और पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने सामुदायिक केंद्र बरवाला का नाम शहीद राजपाल राणा के नाम से करने की भी घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने सामुदायिक केंद्र बरवाला में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित थे। इससे पूर्व उन्होंने बरवाला में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि 26 अक्टूबर को वर्तमान राज्य सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान तहसील ब्लॉक और जिला स्तर पर भरपूर विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के निर्माण के लिए 25-25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और सड़कों का निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है। इसके अलावा इस बार हुई भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल और सड़कों के सर्वे का कार्य भी पूरा हो चुका है और इनकी मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में आबादी के सही आंकड़े न होने की वजह से एक अनुमान के अनुसार ही कार्य करवाए जाते थे, परंतु हमने परिवार पहचान पत्र के नाम से एक नई व्यवस्था शुरू की जिसके माध्यम से किसी भी गांव व शहर की सही आबादी का पता चल जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 30 सितंबर तक गांव बरवाला की आबादी 11,308 थी। उन्होंने कहा पीपीपी के माध्यम से ही लोगों के जन्मदिन की भी जानकारी रखी जाती है और इस दिन को यादगार बनाने के लिए SMS के माध्यम से शुभकामना संदेश भी भेजे जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज 15 अक्टूबर को बरवाला के 33 लोगों का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी और इनमें से उपस्थित कुछ लोगों को उपहार भी भेंट किए। सही गणना क्यों नहीं हो सकती? सही गणती क्यों नहीं हो सकती? आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो एक रिकॉर्ड अच्छा रखा जा सकता है। तो हमने फिर एक नई व्यवस्था शुरू की। 3 साल पहले सोचा था, पिछले साल जाके थोड़ी पूरी हुई है। उस व्यवस्था का नाम है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी। आप में से फैमिली आईडी किस चीज का बना है? क्योंकि मैं देख रहा हूं मैंने जब बोलवाए तो बीच में वर्दे से बैठा चुप करके सुन रहा है। मैंने जब हाथ खड़े कराए हैं तो एक बार ऐसा ना हाँ में ना ना। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।